आफ्टर लॉन्ग टाइम विद अ न्यू वीडियो. आज की वीडियो है DIY टोनर के बारे में, स्पेसिफिकली फॉर दोज हु हैव ऑयली इन कॉम्बिनेशन स्किन. बाकी स्किन के लोग, चाहे नॉर्मल स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस टोनर इज स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू समर सीजन, जब आपके चेहरे पे बहुत स्वेटिंग आ रही होती है और पोर्स जो है वो ओपन हो रहे होते हैं और स्किन का टेक्स्चर ख़राब हो रहा होता है. सो यहाँ पे मैंने लिए हैं रोज़ पेटल्स लिए हैं. आपने दो तीन छोटे फूल थे तो मैंने दो तीन फ्लावर उसके पेटल्स अलहदा कर लिए. उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है पुदीना. फ्रेश मिंट लीव्स आपने ले लेने हैं. अगर आपके पास फ्रेश मिंट लीव्स नहीं है तो आप सूखा हुआ पुदीना जो है वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे अगर आप फ्रेश पुदीना लेंगे. यहाँ पर मेरे पास है तुलसी के पत्ते. तुलसी के पत्ते कुछ इस तरह से दिखते हैं. तुलसी का पौधा घर में इजीली लग जाता है, गमले के अंदर भी, और अगर आपके घर के पास कोई नहीं खुली जगह है तो वहाँ पे भी लग जाती है. इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्किन. और यहाँ पे मैंने लिया है लेमन का पत्ता. ठीक है, अब आपने क्या करना है, और यहाँ पे एक ग्लास एक कप पानी चाहिए. अब हमने क्या करना है कि इन सब चीज़ों को जो है वो किसी भी छोटे बर्तन में या जो भी बर्तन है आपका उस हिसाब से आप उसमें डाल लें. एंड देन इसके अंदर आपने जो है ये एक कप पानी डाल देना है. और इसके बाद अब क्या करना है कि इसको आग पे आपने 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो रखना है. सो यहाँ पे मैं इसको आग पे रखती हूँ. इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स. इस पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा. ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं ये जो है इनका कलर ख़त्म हो जाएगा, सारा कलर जो है वो पानी में चला जाएगा. पुदीना जो है उसका असर भी पानी में चला जाएगा और बहुत ये फ्रेग्रेंट आपके पास जो है वो बहुत खुशबूदार टोनर आपके पास बनेगा. इसकी जो शेल्फ लाइफ है दैट इज़ फॉर 1 वीक, 1 वीक to 10 वीक, 7 to 10 डेज आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं. इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने जो है इसको फ्रिज में ठंडा कर लें तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपके पास फ्रिज अवेलेबल है डबल इफ़ेक्ट होगा, यानी कि कूलिंग इफेक्ट भी होगा और टोनर की जो है इंग्रेडिएंट्स वो भी आपके स्किन में जाएंगे. तो आपने इसको स्प्रिंकल कर लेना अपने चेहरे पे, बेशक स्प्रे बॉटल में डालें या वैसे किसी बॉटल में डालें, और जब अपने चेहरे को वॉश करें, वजू करें नमाज के लिए, या जब भी अपने चेहरे को वॉश करें तो आप इसको जो है वो इस्तेमाल करें. इसके अलावा इस पानी को आप जैसे मास्क बनाते हैं, DIY मास्क बनाते हैं, तो आप उसमें भी इस पानी को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. आप ज़रूर ट्राई करें एंड डू शेयर योर रिव्यूज़ विद मी. ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो फ्लावर की पेटल्स हैं उनका कलर पानी के अंदर जा रहा है. 2-3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा. ये मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट वीक मैंने ये बनाया था. इसका कलर बिल्कुल ऐसे हो जाता है, सो इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन. अभी मैं नया बना रही हूँ, ये मैं गिरा दूँगी और इसको दोबारा से ठंडे होने के रखूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.